नमस्कार, आप देख रहे हैं सिमसेट न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ नतीजा। हाजिर हूं एक बार फिर टॉप 10 खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पे। अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जांच एजेंसी ने तीसरी बार समन जारी किया था। आप बोली, चुनाव के पहले नोटिस क्यों? देश भर में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म। एमपी में शाजापुर कलेक्टर को हटाया गया। ड्राइवर से कहा था, तुम्हारी औकात क्या है? अडानी हिडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का SIT जांच से इनकार। जांच के लिए सीबी को और 3 महीने का समय दिया। अडानी बोले, सत्यमेव जयते। जिला तरनतारन के गुरनूर सिंह ने किया कमाल। 12 वोल्ट की पुरानी बैटरी की सहायता से सजा दिया किस साइकिल। खन्ना में बड़ा हादसा, पुल पे तेल से भरे टैंकर को लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। असम में बस ट्रक की टक्कर, 12 की मौत, 30 घायल। कोहरे के कारण एक्सीडेंट हुआ। बस में सवार 45 लोग पिकनिक बनाने जा रहे थे। नीतीश बन सकते हैं इंडिया के संयोजक। लालू, खड़गे और शरद पवार के साथ की मीटिंग। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। गांधीनगर में वाइब्रेंट समिट 10 से 12 जनवरी तक। गुजरात सरकार ने बुक किए 594 रूम। 5-स्टार होटलों के कमरों का किराया 2 लाख तक पहुंचा। जापान में भूकंप सुनामी के बाद लैंडस्लाइड का खतरा। भारी बारिश का अलर्ट। अब तक 400 आफ्टरशॉक, 64 मौतें। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी तबाही। ब्रिटेन में 16 साल की लड़की से वर्चुअल गैंग रेप। पुलिस बोली, पीड़िता को असल दुनिया में रेप जितना ही सदमा पहुंचा। जांच शुरू। ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। बने रहिए SMZ न्यूज इंडिया के साथ। हम फिर हाजिर होंगे नई और ताजा अपडेट।